बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्कियोगेनेथा को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, ऐसे और भी ऑलरेडी अपलोड हुए पड़े हैं लेकिन ऑर्डर कंप्लीट नहीं थे, तो मैं अब वन बाय वन सारे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप लोग नए हैं तो आप छोटे भाई हों या बड़े भाइयों से या सिस्टर्स वगैरह सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चले हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो, इस चीज़ में यहाँ जो हम मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन होगी, प्रेजेंस ऑफ विंग्स होगी, जनरल बॉडी सरफेस होगी, फीडिंग मोड क्या होगा, अकरेंस क्या होगी, और उसके बाद व्हाट विल बी द इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोगेनेथा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो आर्कियोगेनेथा है ये विंगलेस होती है, विंग्स लेस होती है, मतलब ये कि भाई इनके विंग्स मौजूद नहीं होते। ओके, तो दीज आर द विंग्स लेस इंसेक्ट्स। और सेकंड चीज क्या है कि इनको हम जंपिंग ब्रिस्टल टेल्स भी कहते हैं, मतलब ये कि ये ब्रिस्टल टेल्स है लेकिन ये जंप जंप करती है, एक जगह से जंप लगा के दूसरी जगह पे जाती है। ओके, दे वर फर्स्ट अपियर्ड इन डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड में आर्कनेट्स के साथ, ठीक है, ये जो स्पाइडर वगैरह के साथ क्या हुआ थी, ये राइज हुए थे डेवोनियन पीरियड में। ओके, तो नेक्स्ट क्या चीज है, द नेम आर्कियोगेनेथा इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक। अब ये आर्कियोगेनेथा ग्रीक वर्ड से निकला है, उसमें एक तो है आर्कियोस जिसका मतलब है एंशियंट, एंड द गेनेथा मीन जा, मतलब ये कि ये एंशियंट ऑर्गेनिज्म है और इनमें जा मौजूद होता है, दे हैव जा, ठीक है, इसकी बेस पे उसमें मतलब मैंडिबल मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट क्या चीज है कि इसी आर्कियोगेनेथा को ये मैक्रोकॉर्फिया का भी नाम दिया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज मैक्रोकॉर्फिया। अब वट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये माइक्रोकॉर्फिया भी ग्रीक वर्ड से निकला है, एक तो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब है स्मॉल, एंड कॉर्फिया का मतलब क्या है, हेड, मतलब ये कि दीज आर द इंसेक्ट्स विद स्मॉल हेड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द माइक्रोकॉर्फिया। अब एक्चुअली इनिशियली दे वर स्टडीड विद द ऑर्डर थस्नोरंस, ठीक है, फर्स्ट इनिशियली इनको जब स्टडी किया गया था वो थस्नोरंस के साथ स्टडी किया था, ब्रिस्टल टेल्स की वजह से, ब्रिस्टल टेल के साथ, वो अभी हमने पढ़ा है आर्कियोगेनेथा आर द जंपिंग ब्रिस्टल टेल्स, ये क्या है, सिर्फ ब्रिस्टल टेल इनको नाम दिया जाता है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई दे वर कंसीडर्ड द सेम, व्हाई, एक्चुअली उसमें रीजन ये है कि इनमें भी ऑफ कोर्स जो आर्कियो जो थस्नोरन्स हैं वो भी विंग्स लेस होती हैं, ये भी विंग्स लेस हैं, इनमें ब्रिस्टल टेल मौजूद होती है, इनमें भी ब्रिस्टल टेल मौजूद होती है। अब देखें, दे हैव थ्री प्रोलॉन्ग्ड टेल्स, अब इसमें तीन मतलब प्रोलॉन्ग टेल्स मौजूद है, वन टू एंड थ्री। अब इसमें ये जो ये वाले दो हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिरसाई एंड दिस वन इज नोन एज एपिप्रोक्ट। ओके, तो यहां तक क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट की बात करते हैं, तो दे हैव 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स, ठीक है, देयर नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स कितनी है कि 10 है। अब उनके पास एक मीडियल फिलामेंट भी मौजूद होता है, मीडियल फिलामेंट भी मौजूद होता है, एंड दिस वन इट्स आल्सो नोन एज 11th सेगमेंट, बट नहीं कंसिडर किया जाता है, ये एक अलग फिलामेंट बन जाती है। ओके, दे हैव 8 पेयर ऑफ शॉर्ट अपेंडिजेस, उन अपेंडिजेस को हम नाम देते हैं स्टाइली, दे हैव शॉर्ट अपेंडिजेस, दे आर नोन एज स्टाइली, लाइक ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये एब्डोमिनल स्टाइली मौजूद होते हैं, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन एब्डोमिनल सेगमेंट 2 to 9। ओके, नेक्स्ट क्या है कि दे हैव वन आर टू पेयर ऑफ इवर्सिबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स। ओके, व्हाट डज द वर्ड इवर्सिबल मींस, मीन ये है कि उसकी बॉडी के अंदर वो अंदर चला जाता है फिर बाहर निकलता है, जरूरत के वक्त जब रिक्वायर्ड हो तो बाहर, नहीं तो अंदर। ओके, ऑन द अंडर साइड ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट 1 to 7, मतलब 1 to 7 जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं उनके दरमियान में 2 पेयर ऑफ इवर्सिबल मेम्ब्रेनस वेसिकल मौजूद होती हैं। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इवर्सिबल मेम्ब्रेनस वेसिकल, एक्चुअली दे आर यूज्ड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड असिस्ट इन मोल्टिंग, मतलब एक डाइसिस के दौरान, मोल्टिंग के दौरान क्या करते हैं कि ये जो इवर्सिबल मेम्ब्रेनस वेसिकल है वो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या, द नंबर ऑफ स्पेरिकल्स। अच्छा, एक चीज बता दूं, आपको भी पता है कि इसी चीज को मैंने मेंशन भी नहीं किया कि इसमें 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 चीजें इसमें होती हैं। एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है तो मैं हाथ की मतलब फिंगर की मदद से ये चीजें लिख रहा हूँ और टाइम लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्या चीज है कि नंबर ऑफ स्पेरिकल्स इसमें कितनी होती है, 2 पेयर्स मौजूद होती हैं थोरेक्स पे एंड 7 पेयर्स मौजूद होती हैं एब्डोमिनल सेगमेंट पे। तो
मीन 2 + 7 पेयर, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स मौजूद होती हैं इनकी बॉडी पे। दे हैव 9 स्पेरिकल्स, और उनका क्या काम होता है वो भी आपको पता है कि ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्कियोगिनेथा एंड थर्सनोरन्स? अब आर्कियोगिनेथा के पास वन कोंडाइल होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोकोंडाइलिक। वाइल थर्सनोरन्स की बात करें तो उनके पास 2 कोंडाइल मौजूद है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइकोंडाइलिक। ओके, देयर आर्कियोगिनेथन्स हैज आर रिलेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू थर्सनोरन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है कि देयर बॉडी इज कंप्रेस्ड, इनकी जो बॉडी होती है वो कंप्रेस्ड होती है फ्रॉम साइड टू साइड, लेकिन दे आर फ्लैटेंड, कैसे, डॉर्सो वेंट्रली, ठीक है, मतलब डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी क्या होती है, दीज आर कंप्रेस्ड और फ्लैटेंड, सॉरी, बट देयर बॉडी इज कंप्रेस्ड। एंड इवन विद द हेल्प ऑफ देयर टेल द आर्कियोगिनेथन्स कैन स्प्रिंग अप इन द एयर अप टू 30 सेंटीमीटर, मतलब टेल की वजह से वो एयर में 30 सेंटीमीटर ऊपर उठ सकते हैं, मतलब इंच इंच उसमें आप इंच की बात कर लें तो मेरे ख्याल से कुछ वो आप खुद अंदाजा कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि दे कैन नॉट स्प्रिंग अप देयर टेल, अब ये जो थर्सनोरन्स होती हैं वो अपनी टेल को उठा टेल की मदद से ऊपर नहीं उठ सकते। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो मैकलिडी है, डिस्लिप्टस है और मिनरटेलिडी है। ओके, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये आर्कियोगेनेथा की एग्जांपल है। लेकिन दूसरी तरफ थर्सनोरा की बात करूं तो उसमें सिल्वर फिश है, फायर ब्रिट है और लिपिस मेटेडी है। ओके, तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट ये कि इनका फीडिंग मोड क्या है और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर हम इनके इनकी अक्रेंस की बात करें, दे आर फाउंड इन अंडर द रॉक्स, लॉग्स एंड द लूज बार्क ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, ट्रीज ठहरी होती हैं, दरख्त मतलब मरी हुई होती हैं, खुश्क हो गई होती है, तो उनकी जो बार्क होता है उस बार्क में ये मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट इनका फीडिंग मोड क्या है कि दे प्राइमरली फीड ऑन एल्गा, आल्सो लाइकन्स और मोसेस पे भी करती हैं, एंड दे आल्सो डिपेंड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब इस ये चीज आपको पता होगा कि इफ दे आर ईटिंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर देन दे हैव नो हार्मफुल, मतलब वो कोई दे आर नॉट हार्मफुल, वो एनवायरमेंट में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते, बट दे कैन एक्ट एज रिसाइकलर। ये किसके तौर पर काम करेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल करेंगे, ठीक है, दे डीकम्पोजर के तौर पर काम करेंगे कि दे आर द पार्ट ऑफ डीकम्पोजर्स, ठीक है, डीकम्पोजर्स की कम्युनिटी बन जाती है और ये ब्रेक डाउन करती है और रिसाइकल करती है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को। अब इस वजह से सो दैट्स व्हाई आर्कियोगेनेथन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज द पेस्ट, नन ऑफ द आर्कियोगेनेथा आर कंसिडर्ड एज द पेस्ट। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें, मुझे तो नहीं लगता कि यार आप लोग शेयर करते हैं, लेकिन माने हम भी ऐसे वीडियो देखते थे तो शेयर नहीं करते थे, अपने पास रखते थे, तो वो आपकी मर्जी है, बट इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह आपका भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। तो इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।